या तो रखे सारा अभिमान। इसे दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शिमला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में ली। बैठक में सभी विभागों के कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 68 स्थानों पर रैलियों को संबोधित किया है। पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने 40 स्थानों में रैलियों को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने 10 रैलियों को। पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने 24। पार्टी के सह प्रभारी संजय टंडन जी ने 21 रैलियों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा, जयराम ठाकुर की सरकार कर्मचारी मित्र सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का सदैव यह मत रहा है कि कर्मचारी प्रदेश की विकास की रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए पार्टी कर्मचारी हितों और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति सदा सकारात्मक रुख अपनाकर कार्य करती है। कर्मचारियों के पुरानी नई मांगों के प्रति सरकार सदैव सजग है और समाधान के प्रति सदा प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हिमाचल सरकार ने समाज के गरीब वर्ग की चिंता करते हुए 356 करोड़ रुपए की योजना के माध्यम से सरकारी डिपो के माध्यम से आटा, चावल, 3 प्रकार की दालें, चीनी और खाद्य तेल सस्ते दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।